कल्पधाम बिल्डर्स एवं डेवलपर्स की शानदार पेशकश अब आपके सागर शहर के बीचों बीच, वह भी सर्व सुविधा युक्त आवास फ्लैट एवं प्लॉट बुकिंग के लिए संपर्क करें अंकुर चौरसिया पुरुषोत्तम चौरसिया। वो परेशान थी, वो मंचलों की छेड़छाड़ से हैरान थी और परेशान इतनी कि उसने अपने आप को जिंदा जला दिया। जी हाँ, दिल को दहल जाए ऐसी यह वारदात मध्य प्रदेश के जबलपुर से जुड़ी, जहां पर 11वीं क्लास की छेड़छाड़ से परेशान होकर एक छात्रा ने मंगलवार को पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद यह 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की 90% झुलस गई है। इतना ही नहीं, खुद को आग लगाने के पहले छात्रा ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें उसने अनुराग चौधरी, वरुण आशा, तन्वी केवट और ममता केवट को दोषी ठहराया है। उसने सुसाइड नोट में साफ साफ लिखा है कि इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी शिकायत पुलिस भी नहीं सुनती, सॉरी पापा, मुझे माफ कर देना। इस छात्रा ने सुसाइड नोट में साफ साफ यह लिखा है कि चारों लड़कों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। चारों लड़के उसके घर के चारों ओर घूमते रहते हैं, लेकिन जब यह छात्रा थाने में अपनी शिकायत करने जाती है तो उसकी पुलिस नहीं सुनती। उसने सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि मेरी वजह से मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। आपको बता दें कि छात्रा ने सुसाइड नोट में पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। उसने लिखा है कि रांची थाना में उसने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत रख ली और कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर सोमवार को अनुराग और वरुण उसके घर धमकी देने के लिए गए थे। इसकी शिकायत छात्रा ने दो अन्य बहनों के साथ रांची थाना पहुंचकर पुलिस से की थी। छात्रा की बड़ी बहन के मुताबिक पुलिस ने शिकायत लेकर रख ली और यहां के थानेदार बोले कि हम पुलिस कर्मियों को भेज रहे हैं, और फिर आरोपी थाने के बाहर खड़े थे। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की रांची थाने की निकम्मी पुलिस की यह करतूत उस वक्त उजागर हुई जब एक मासूम बेटी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज, जबलपुर। श्री ठाकुर बाबा कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ रेत और गिट्टी उचित दामों पर उपलब्ध है। रेत और गिट्टी के लिए संपर्क करें हर्ष नेमा, चांदपुर वाले। हमारा पता है मेन बस स्टैंड रहली देवरी रोड, चांदपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 91 31 25 97 36।